ये एक सादा टेस्टर होना चाहिए, इसको आपने कुर्सी पे लगा देना है। ये लगाओ भाई एक एक करके, ठीक है। ये जैसे ही आप एक एक पिन पे लगाएंगे तो अंदर से आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये ग्रिप भी पकड़ो, मैं अंदर से चेक करवाता हूँ, ठीक है। जैसे ही अंदर से लाइट चलेगी मैं आपको आवाज़ करवाऊंगा। ये देखें जी, न्यूट्रल आ गई, चेंज करो वायर, ठीक है। ये एल आ गई, ये डी आ गई, ये पी आ गई, लगाओ, ठीक है। ये एन आ गई, इसका क्या मतलब है कि एक मेन करंट मिस है जिसकी वजह से लाइटें ऑन नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी है टोयोटा कैमरी है, 2006 मॉडल है। अच्छा जी, कस्टमर की कंप्लेन है कि गाड़ी के अंदर पी आर एन डी वाली कोई लाइट नहीं आ रही, गाड़ी स्टार्ट है, बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम है मीटर के अंदर, डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं शो होती, बाकी गियर भी सब कुछ एवरीथिंग ओके है, ठीक है। ये देखें, मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये स्विच ऑन किया और ये देखें पी आर एन डी टू एल कोई लाइट नहीं आ रही। अच्छा जी, इसमें स्कैनर लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, इसमें कोई डी टी सी नहीं आ रहा, मैंने पहले लगा दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट चेक करेंगे, गियर शिफ्टिंग बराबर, हर चीज़ ठीक है, इसमें गियर भी लग रहा है, बस मीटर के अंदर लाइट नहीं आ रही। अब देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को चेक करते हैं और देखते हैं। गाड़ी की बाहर वाली साइड पे आ गया हूँ। सबसे पहले आपने नेचुरल सेफ्टी स्विच और ट्रांसमिशन सिलेक्टर स्विच भी बोलते हैं इसको, ये इसकी लोकेशन है, ये गियर के बिल्कुल सामने लगा होता है। तो इसका कनेक्टर निकालना है आपने और इसके अंदर मैं आपको इसकी वायरिंग चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये बाहर आ गया। चलिए, ये इसके ऊपर फर्स्ट वाली जो दो मोटी वायर हैं, ये जो रेड में ब्लू स्ट्रिप है इसके अंदर इग्निशन की करंट आएगी, जो उसके साथ रेड में ब्लैक लाइन है ये ग्राउंड की वायर है, ठीक है। ये ग्राउंड हमारा स्टार्टिंग की रिले के लिए यूज़ हो रहा है और जो पॉजिटिव की वायर है ये हमारी मीटर के अंदर जितनी भी लाइट चलती हैं ये उसके लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अगर ग्राउंड नहीं आएगा तो गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, अगर पॉजिटिव इग्निशन की करंट नहीं आएगी तो मीटर के अंदर लाइटें नहीं आएंगी, ठीक है। अभी कंफर्म करना है इस वायर में करंट आ रही है या नहीं, इसमें अगर करंट आती है तो फिर हमारा सिलेक्टर स्विच ख़राब है, अगर करंट नहीं आ रही तो फिर हमारी करंट का मसला है, ठीक है। और बाकी इसमें ये जो ब्लैक वायर है ये हमारी है जी, जैसे ही हम पी पे करते हैं या न्यूट्रल पे करते हैं इस वायर में ग्राउंड निकल के सीधा हमारी स्टार्टर मोटर की रिले पे जा रहा है। और बाकी इसके साथ जो रेड येलो वाइट और ग्रीन ये हमारा मीटर के अंदर सिग्नल है, पॉजिटिव का सिग्नल निकल के यहाँ से जाएगा। टेस्टर को पहले नेगेटिव पे लगा लेना है, तो मैं आपको अब इसकी करंट चेक करवाता हूँ कि ये जो इसकी रेड कलर की वायर है इसके अंदर करंट आ रही है कि नहीं। ये देखें जी, इसके अंदर करंट नहीं आ रही, मतलब इस वायर में जब तक करंट नहीं आएगी तब तक मीटर के अंदर कोई भी लाइट नहीं ऑन होगी। ये देखें, ये रेड में ब्लू स्ट्रिप वाली वायर है। अब मैं आपको इसका ग्राउंड भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ग्राउंड आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली इसके सारे फ्यूज़ चेक किए हैं, फ्यूज़ भी ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ये देखें जी, ये वायर है। सबसे पहले ये इसका ईसीएम है, ब्लोअर के बिल्कुल साथ इसकी लोकेशन होती है, इसके नीचे वाली साइड पे ये देखें, ये इसका जंक्शन कनेक्टर है जहाँ पे ये वायर आपको मिलेगी रेड कलर की, रेड के अंदर ब्लू स्ट्रिप, ये थोड़ी छीली हुई है चेक करने के लिए। इस वायर के अंदर यहाँ पर करंट नहीं आ रही, ठीक है। ये वायर बाहर तक बोल रही है, यहाँ से निकल के सीधा जा रही है, सेम कलर है इसका रेड में ब्लू, ठीक है। ये वायर अब आगे कहाँ पे जा रही है वो हम मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट चेक करवाता हूँ। इस वायर में करंट नहीं आ रही, जब इस वायर को हम एक्स्ट्रा करंट देंगे तो हमारे सिलेक्टर स्विच में करंट जाएगी और लाइटें ऑन हो जाएगी, वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसके साथ इग्निशन की एक वायर है, इसको भी छीला हुआ है, तो जैसे ही इसको इसके साथ मैं टच करूँगा मीटर के अंदर सारी लाइट आ जाएंगी, ठीक है। ये पहले मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये स्विच ऑन किया और डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं है। अभी मैं इसको बाईपास करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये वायर को मैंने लगाया मीटर के अंदर, देखें पी वाली लाइट आ चुकी है।
अभी ये मैं वायर को निकालूंगा, ये देखें लाइट बंद हो गया, ये लगाई लाइट आ गई, ये बंद हो गई, ये लगाई ये बंद हो गई, ठीक है। अभी ये निकाली और लाइट गायब हो गई, ये जैसे ही लगाऊंगा ये देखें, ये लगाया और लाइट आ गई। मैं टेप कर दियो, सोनी जी कभी भी वायर शार्ट होगी तो फ्यूज उड़ेगा, ठीक है। जब भी वायर शार्ट होगी या प्रॉब्लम पहले से होगी तो ये फ्यूज पहले जलेगा, ठीक है जी सर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी सारी लाइट आ रही है। तो गाड़ी की अब मुकम्मल हम फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके फिर मैं आपको गाड़ी दोबारा एक दफ़ा चेक करवाता हूँ। गाड़ी की मुकम्मल फिटिंग कर दी है, दोबारा गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देख सकते हैं आप सारी चीज़ें इसकी लगा दी हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये देखें डी पे और यहाँ पे डी पे, ये एन पे और यहाँ पे एन पे, रिवर्स पी और पी, ठीक है जी। गाड़ी की मुकम्मल फिटिंग कर दी है और इसके अंदर हमने फ्यूज़ लगा दिया है। तो रास्ते में कहीं से इसकी वायर ब्रेक है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो कस्टमर कह रहा है जी मुझे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम वायर ट्रेस करेंगे तो ये चीज़ें वगैरह खोलनी पड़ेंगी और थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन कस्टमर कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी काम जो है 100% है, ये अगर आप फ्यूज़ लगा देंगे तो बेहतर है, अगर फ्यूज़ नहीं लगाएंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फ्यूज़ लगाना ज़रूरी है। अगर कहीं से रास्ते में वायर बॉडी के साथ टच हो रही है या शॉर्ट है तो उससे आपको पता चल जाएगा, फ्यूज़ आपका ब्लोन हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, जिससे फिर दोबारा सेम पहले जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता भी चल जाएगा कि भाई वायरिंग जो है शॉर्ट है। तो अभी फ्यूज़ लगा दिया है, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। पी आर एन डी की जितनी भी लाइट आ रही हैं, वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।